सो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि Vivo Y33s मोबाइल में सिस्टम अपडेट कैसे किया जाता है। दोस्तों सिस्टम का मतलब होता है आपके मोबाइल का A to Z सारा सिस्टम। तो दोस्तों ये सिस्टम अपडेट समय समय पर आता रहता है और सिस्टम को अपडेट कर लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों सिस्टम अपडेट करने से आपके मोबाइल में नए नए फीचर्स आ जाते हैं। तो दोस्तों सिस्टम अपडेट करना बहुत ही जरूरी रहता है। अगर आपके मोबाइल में सिस्टम अपडेट आया रहेगा तो आपके यहाँ पे सेटिंग पे 1 लिखा रहेगा रेड कलर में, तो इस आपको करना क्या है, आपको सेटिंग ओपन करना है। सेटिंग ओपन करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा सिस्टम अपडेट का, तो सिस्टम अपडेट पे आपको क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद अब दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि आपके मोबाइल में क्या क्या अपडेट आया और ये अपडेट कितना MB का है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं न्यू वर्जन फाउंड, यहाँ पे आपको जितना अपडेट आया हुआ वो यहाँ पे MB में दिखाई देगा, अगर GB में रहेगा तो GB में दिखाई देगा। यहाँ से आप पढ़ सकते हो कि क्या क्या अपडेट है। पढ़ने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे नीचे कंटिन्यू डाउनलोड, दोस्तों मैंने थोड़ा सा डाउनलोड करके रखा है इसलिए कंटिन्यू डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप पहली बार करोगे तो आपको यहाँ पे इंस्टॉल एंड डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, तो इस पे आपको करना है क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको कंटिन्यू डाउनलोड पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक कर दोगे यहाँ से दोस्तों डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हो कि यहाँ पे ये लाइनिंग चल रहा है, और दोस्तों ये लाइनिंग जब पूरा हो जाएगा तो आपका मोबाइल ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, और स्विच ऑफ होने के बाद ऑटोमेटिक आपका मोबाइल ऑन हो जाएगा। जैसे दोस्तों आपका मोबाइल स्विच ऑफ हो तो आपको कोई भी बटन या कोई भी स्क्रीन पे कुछ भी टच नहीं करना है। दोस्तों आपके मोबाइल में सब कुछ ऑटोमेटिक होगा, ऑटोमेटिक ही आपका मोबाइल स्विच ऑफ होगा और ऑटोमेटिक ही आपका मोबाइल स्विच ऑन हो जाएगा। बस दोस्तों आपका मोबाइल अपडेट हो जाएगा, और दोस्तों आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं, आपके मोबाइल से कुछ भी डिलीट नहीं होगा, आपके मोबाइल में कई सारे नए फीचर्स भी आ जाएंगे और मोबाइल भी अच्छा वर्क करने लगेगा। तो दोस्तों इस तरह से आप Vivo Y33s मोबाइल को सिस्टम अपडेट कर सकते हो बिल्कुल ही आसान तरीके से। तो दोस्तों वीडियो से आपको सही जानकारी मिली हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।